ये दर्द देख रहे हैं आप, ये उसी का दिया हुआ दर्द है। इंसान को दर्द हो रहा तो चलता है, चोट लगे रहा तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो दिल का दर्द होता है ना, वो इंसान को धीरे धीरे मारता है। मैं मर रहा हूँ धीरे धीरे, अब दर्द ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर रघुवीर मल्होत्रा आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है तो सोचो कितना परेशान होगा। मैं बहुत परेशान हो चुका, खोखला हो गया अंदर से। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अब उठा लो, बहुत हो गया। जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना तो दवा बन जाता है। इससे पहले कि दवा बने, आप मुझे खत्म कर दो प्लीज। अगर मैंने जिंदगी में कोई एक अच्छा कर्म भी किया होगा ना तो मेरे को उसका अच्छा फल दे दो, मुझे खत्म कर दो प्लीज। जब किरदार ही नहीं रहेगा तो कहानी कैसी है ना? किरदार खत्म, कहानी खत्म, रघुवीर खत्म। बुलाओ, कौन? अरे मौत, मौत आ रहा, आ रहा। रघुवीर, 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 शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। अगर आज चांद देखने के बाद मुझे मेरे रघुवीर का चेहरा नहीं दिखा तो इस सुहागन का विश्वास उठ जाएगा आपसे। जो उम्मीद में लेकर आई हूं भगवान, प्लीज उसे टूटने मत देना। अगर हमारा काम मांगना है तो आपका काम देना है, अपने काम से मुंह मत फेरना भगवान, प्लीज। करवा चौथ का व्रत पति के हाथ तो पानी पीकर ही पूरा होता है। आपको साक्षी मानकर मैंने ये व्रत रखा था, तो आपको हर हाल में रघुवीर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। मैं रघुवीर को सब सच बताने वाली थी, लेकिन मेरे कुछ बताने के पहले उन्हें सब पता चल गया।
ये जो गलतफहमी हम दोनों के बीच में हुई है उसे प्लीज दूर करो भगवान, प्लीज रघुवीर को लौटा दो मुझे, मेरा व्रत पूरा करो भगवान प्लीज, इस स्वागत को उसका सुहाग लौटा दो। मतलब वो यहाँ पे आए थे, बिना मुझे मिले तो वो जा ही नहीं सकते। थैंक यू भगवान, थैंक यू। रघुवीर, 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 क्या हुआ? रघुवीर, 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 उठो रघुवीर, देखो मैं आ गई प्रगति, रघुवीर प्लीज उठो ना, रघुवीर उठो, ओए डॉक्टर तो चले गए। चले गए। आप आइए ना, देखिए ना उन्हें प्लीज, प्लीज जल्दी जल्दी आइए प्लीज। हाँ रघुवीर, रघुवीर यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं वो यहीं पे थे अभी, मैंने यहीं पे छोड़ा था उन्हें, अरे कहाँ गए? रघुवीर, नर्स हरि अप, पल्स रेट डाउन है, सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर सास उस तरह रघुवीर को क्या हुआ? कोई घबराने की बात तो नहीं ना? नहीं अंकल, रिलैक्स। पापा डॉक्टर को जानते? रघुवीर को मैंने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड बेटा। तो लंदन से कब आया? जी 2 महीने हो गए। और रघुवीर तुझे कहाँ मिला? जी रिसेप्शन के पास, वो भी एक ठेले पे। ये तो साहस है। मतलब साहस पूरी फैमिली को पहले से जानता है। लेकिन पता चला कौन सा छोड़ने आया था? नहीं भाई जी, वो तो मैं यहाँ चेकअप करने आता रहता हूँ। जैसे मैं आया, मैंने रघुवीर को देखा, उसे आईसीयू में लेकर गया और आप लोगों को फोन किया। बेटा उससे मिल सकते हैं? नहीं अंकल जी, अभी नहीं। बता दे मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई?
मेरा रग भी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने सीनियर डॉक्टर को बुला लिया, वो आते होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम उसके साथ कोई अपना तो था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आइए आइए। परेशान है तुम, मेरे बच्चे का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आई विश भाभी यहाँ पर होती। खबरदार जो उस प्रगति का नाम भी लिया तो। ये सब जो हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है। एक रघुवीर ही थे जो मेरे लिए स्टैंड लेते थे, अब फैमिली में से कोई भी इनके आगे नहीं बोलेगा। प्रगति को एक बार सोचना चाहिए था, कम से कम एक बार फोन करके रघुवीर का हालचाल ही पूछ लेती। बराबर है, सच में प्रगति भाभी इतनी इनसेंसिटिव होंगे मुझे नहीं पता था। सीरियसली भैया पहले भी पीते थे, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। और इस सबके पीछे का रीजन सिर्फ प्रगति भाभी है। सब मुझे ही कोस रहे हैं, कहीं रघुवीर ने बता दिया हो तो कि मैं पानी हूँ, ऐसे में इनके सामने मैं कैसे जाऊंगी? अब क्या बोलूंगी, क्या समझाऊंगी? बेटा अब रघुवीर कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं है, रघुवीर का इलाज बेस्ट डॉक्टर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, मुझे बाकी पेशेंट्स को भी देखना है। प्रगति आप यहाँ क्या कर रहे हो? रघुवीर को कैसे जानते हो? अरे रघुवीर को कैसे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका वाला रघुवीर तो ना है? मेरा मतलब रघुवीर मल्होत्रा। ओ तेरी, बताओ ना कैसे जानते हो? अरे ये तुम्हारा परिवार है। अरे परिवार? हाँ, अरे मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, देवराज अंकल की वजह से ही हूँ। मैं नहीं समझी जी। मेरे बापू हैं, इनके घर पे माली थे, उनके मरण के बाद से इसी परिवार ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बारहवीं तक पढ़ाया भी, और उसके बाद मैं लंदन चला गया, पर इनका एहसान कभी ना भूला। देवराज अंकल तो मेरे फादर जैसे हैं, और रघुवीर तो मेरे भाई जैसा है। देखो ना वक्त कब कौन कहां कैसे मिला दे। अरे आपका रघुवीर तो मेरा दोस्त निकला। पर आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, मैं अंकल को बुलाता हूँ। नहीं, उन्हें मत बुलाना, वो मेरा सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन सा सच? मेरी पहचान का सच। बाप की पहचान का कौन सा सच है? यही कि मैं बानी हूँ। बानी? जी मजाक करने की आदत मेरी है, मन नहीं करने दिया करो। वैसे भी अभी ना जगह है और ना ही टाइम मजाक करने का। आज मेरी बात मानो, मैं ही बानी हूँ। अरे ऐसे कैसे मान लूँ? अरे बानी मेरे साथ कॉलेज में थी, मैं जानता हूँ उसको। कॉलेज के मैराथन याद है, हमारी लैब पार्टनर याद है, बानी हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठा करती थी, और तुम तो डॉक्टर बनने के पहले ही एमबीबीएस बन चुके, मेंबर ऑफ द बैक बेंच सोसाइटी। तुम्हें क्या ड्रग व्रग लेना शुरू कर दिया क्या? तुम्हारी शक्ल तो बानी अलग है, सब बता दी। मैं और रघुवीर मनाली गए थे। ओ तेरी, तुम मतलब तुम बानी से प्रगति बनी, और ये बात तुम रघुवीर को बताती हो, उससे पहले उसे लगा कि तुम उसे धोखा दे रही। बस यही गलत फहमी हमारे बीच जिसने हमें दूर किया, और फिर तुम मिले, ये तुम्हारे घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई। तुम्हें क्या लगता है बानी किसी अजनबी घर में ऐसे चली जाएगी क्या? तो मतलब तुम पहचान गई थी कि मैं साहस हूँ? साहस मेरा बदला है, तुम्हारा नहीं। और मुझे इस हरियाणा के जाट पे पूरा भरोसा। तो मन ने तो बता देती। मैं बताना चाहती थी साहब, लेकिन
करती थी, कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। चलो मुझसे छुपाना तो समझ में आता है, बट परिवार वालों से क्यों छुपा रखा है? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? रघुवीर कैसा? एक मिनट तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा इंजरीज नहीं थी, फिर भी मैंने ट्रीटमेंट दे दिया उन्हें। लेकिन क्या? उनका लिवर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, लिवर ट्रांसप्लांट।